ब्रेक के बाद फिर से आपका एक बार स्वागत है। नजर डालते हैं बिहार के कुछ खास खबरों पर। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां औराई स्वास्थ्य केंद्र बीसीएम की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रमोद समेत पूरे स्टाफ ने महिला हिंसा के खिलाफ शपथ ली। इस मौके पर स्वास्थ्य केंद्र का पूरा स्टाफ और आशा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न कराया गया। बताया गया कि अगला प्रोग्राम 12 तारीख से शुरू हो रहा है, तो दिसंबर में ट्रेनिंग दिया जाएगा। 2 दिसंबर से 12 तारीख से मतलब फलेरिया की दवा खिलाना शुरू हो जाएगा। दवा खिलाना शुरू हो जाएगा 12 तारीख और आई प्रखंड में। हाँ, इसी को लेकर जानकारी दी। जानकारी दी जी। क्या परिचय हुआ आपका? प्रवीण कुमार। महिला हिंसा के खिलाफ हम सभी पुलिस कर्मी और हॉस्पिटल विभाग के तरफ से, स्वास्थ्य विभाग के तरफ से सभी कर्मियों के द्वारा यह शपथ लिया गया है कि आज से लेकर आगे आने वाले 2030 तक हम सभी महिला हिंसा के खिलाफ अग्रसर रहेंगे और ना हम कभी महिला हिंसा करेंगे, और अगर किसी ने किया उसके प्रति भी हम सजग रह के उसको मना करेंगे, उसको रोकेंगे। और महिलाओं के प्रति मीठे व्यवहार और अच्छे आचरण का हम लोग परिचय दीजिए। प्रतिबद्ध है। मैं बीसीएम और आई सीएससी और आई से महान समाजवादी। वहीं अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पूर्व मंत्री स्वर्गीय गणेश प्रसाद यादव के पैतृक आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि श्रद्धांजलि सभा के आयोजन में औराई प्रखंड के कई पंचायत से समाज सेवी लोग भी वहां आए थे। इस कार्यक्रम में लोकप्रिय नेता के बारे में लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। महान समाजवादी नेता स्वर्गीय गणेश प्रसाद यादव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देश और बिहार में भली भांति जाने जाते हैं, जिस तरह से जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर जॉर्ज फर्नांडिस जी जिस तरह से जाने जाते हैं, उसी तरह से आधुनिक बिहार में के निर्माता के रूप में स्वर्गीय गणेश प्रसाद यादव जी जाने जाते हैं। और उन्होंने हमेशा गरीब दीन दुखियों अग्री पिछड़ी सभी जातियों का नेतृत्व किया और सबों के लिए तन मन धन से लगे रहे, और इसीलिए हम लोग को गर्व है कि हम पूर्व मंत्री गणेश प्रसाद यादव जी के साथ जुड़े रहे, काम करते रहे। और जिस तरह से पुराने समाजवादी नेता का जो है पुण्यतिथि मनाया जाता है, उसी तरह से हम लोग हर साल स्वर्गीय गणेश बाबू की। वही खबर बिहार के पटना से है, जहां सड़कों पर वर्दी पहने एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा सरकार के पूरे सिस्टम पर उठा रहा है। बता दें कि मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की या बार बार सरकार की पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रही है। सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर वहां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद युवक को थाने ले गई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जवान के दिमाग की हालत ठीक नहीं है तो उसे ड्यूटी पर क्यों रखा गया है। वहीं यहीं पे ऐसी चर्चा हो रही है कि सिपाही की मानसिक हालत ठीक नहीं है तो इलाज उसका चलाया जा रहा है। इलाज के बाद ठीक होने पर ड्यूटी ज्वाइन की थी। प्रभु भगवान श्री कृष्ण की धरती है, अगर इंसान ही नहीं रहेगा मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, अगर इंसान ही नहीं रहेगा मस्जिद में इबादत देने कौन जाएगा गुरुद्वारा कौन जाएगा। वर्दी कहाँ से लिए हो? कौन है जो जिंदा इंसान को मारने का काम किया गया है धरती पर? ऐसी हालत कौन आई है? वर्दी कहाँ से लिए हो? अरे अभी से पूछो वर्दी। चीनी सरकार से जिनपिंग पहचानता है। अच्छा, अरे पटना पुलिस हिंदुस्तान के सिपाही बेरोजगारी की ऐसी हालत पड़ी है देश में, देख रहे हैं छात्र नौजवान भटक रहा है। पोस्टिंग कहाँ है? कहाँ बेरोजगारी है? पूरा बेरोजगारी फैलाया हुआ है धरती पर, आतंक मचाया हुआ है। और देख लीजिए आप लोग, स्वास्थ्य विभाग की कैसी हालत बनाई है, नहीं देख रहे आप लोग स्वास्थ्य विभाग की कैसी हालत है? अरे ड्रेस किसका है? ड्रेस क्या पूछ रहे हमसे? पहनोगे पुलिस का हो जी? पुलिस हो जिस तरह पुलिस हो तो कहाँ पुलिस ने दिखा दे, क्या दिखा दे रहा है आपको? कहाँ पोस्टिंग है? पोस्टिंग कौन थाना में है? हिंदुस्तान के सिपाही पटना पुलिस। अरे तो कहाँ पोस्टिंग है ये बताओ? ढाल ये मास्क लगा रखा है, जिंदा इंसान को मारने का काम किया गया धरती पर। चीनी सरकार से जिनपिंग पोस्टिंग कहाँ है ये बताओ ना? थाना में पोस्टिंग? क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा थाना में क्या
क्या पोस्टिंग है? वर्दी वाला को नहीं पहचानते हो? नाम क्या है? नाम क्या है? वर्दी पहन लिए हो क्या? पुलिस को बदनाम कहे कर रहे हैं? पुलिस को क्या बदनाम करेंगे? आज देश में ऐसी हालत बनाई हुई है। क्या नाम है? नाम क्या है तुम्हारा? सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को प्रणाम करते हैं। नाम बताओ। हम अगले औकात पे दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। नाम क्या है? नाम क्या है? मैं हूँ राकेश कुमार, हिंदुस्तान का सिपाही। खबर बिहार के खगड़िया से है, जहां नवविवाहिता महिला की भागलपुर जिले में दहेज लोभियों ने हत्या कर शव को आत्महत्या का रूप देकर आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद से पति व उनके घर वाले सभी घर छोड़कर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मामला ये है कि इसको टॉर्चर किया जाता था, इसके सासू में जो है इसके पति, इसके देवर और इसके ननद और जो इनके भाई, इनके बड़े भाई जो मेरे जिला से लगते हैं चंदन राय, उनके जो बड़े भाई हैं उनकी वाइफ सब भी इनको टॉर्चर करते हैं। कहाँ ससुराल हुआ है? इनका ससुराल मरवा गाँव है थाना बीपुर में। इनका मैके कहाँ हुआ? डुमरिया मुझे थाना पर बता। तो क्या हुआ है मतलब कैसे? ये कल हम लोग को सुबह में पता चला, और वैसे गांव वाले से पता चला कि इनका मर्डर जो है कल शाम 4 बजे में हो गया था। उसके बाद गला दबा के मर्डर किया गया है, और उसके बाद इसको झांकने के लिए जो है इसको जलाया गया है। अभी साफ दिख रहा है गले पे निशान है, जी निकला हुआ है, और गले पे जो है यहाँ पे खून है लगा हुआ, जो कि जलाया गया है तो खून जम गया है यहाँ पे, और बाल जो है पूरी तरह से जला नहीं है, और यहाँ पे हमें लग रहा है कि काटा हुआ है बाल, क्योंकि इसको पूरी तरह से पहले मारा गया है, पीटा गया है, पूरे टॉर्चर किया गया है। उसके बाद ये अपडेट कर दी थी, इसको छुपाने के लिए उन्होंने सुसाइड का नाम दिया कि अपने से किया जल के, लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है कि गले से निशान जो है वो क्लियर दिख रहा है कि रेड है और जी निकला हुआ है। हुआ तो इनके घर वाले से कुछ भी हमें, हम लोग को कॉल नहीं आया है, कोई तरह का कॉल की आपकी बहन देख कर गई है, मेरा नंबर इन सब के पास है, पापा का नंबर है, कोई कॉल नहीं आया है। बाहर से कॉल किया गया है, गाँव वाले जो पास पड़ोस के हैं उनके थ्रू पता चला कि मेरी बहन जो है वो डेथ कर गई है, और अभी जो लाया गया है आप चल के देख सकते हैं, उसको ट्रेलर पे लाया गया है, और एम्बुलेंस भी नहीं है, और उसके घर से एक भी आदमी नहीं आया है। जबकि वो चार भाई हैं, इनके पति और उनके चाचा भी हैं, दो भाई और का शादी हो चुकी है, और इनकी सासू माँ भी है, और इनके चाची भी है एक वहाँ पे छोटी सासू माँ, लेकिन कोई भी नहीं आया है इनको लेकर के, और सब घर से फरार है, और ना ही इनके घर वाले हॉस्पिटल लेके गए हैं, ना ही अभी पोस्टमार्टम के लिए लाया गया बॉडी, तो ऐसे एक ट्रेलर में फेंक के लाया गया है, कपड़े में लपेट गया। खबर बिहार के खगड़िया से, जहां दो भाइयों में जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, दोनों पक्षों में 3 लोग घायल भी हो गए हैं। ग्रामीणों की मदद से दोनों को गोगरी के रेफरल अस्पताल ले जाया गया है, जहां के बेहतर इलाज के लिए खगड़िया रेफर कर दिया गया था। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर थानाध्यक्ष पूरे पुलिस दल के साथ वहां पर पहुंचे। थानाध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया है। वही खबर बिहार के पटना से है, जहां जदयू प्रदेश कार्यालय में जदयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बताते चलें कि इस दौरान जदयू प्रवक्ता ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जन विरोधी बताया। वहीं उन्होंने यह कहा कि भाजपा को देश से हटाने का अभियान जो बिहार से शुरू हुआ है वह पूरे देश में चलाएंगे। वहीं बिहार के साथ केंद्र सरकार द्वारा भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। सरकार राज्य विरोधी और गरीब विरोधी है, जन विरोधी है, और उसके एक एक चीज़ों पर जो किस तरह से जनता को नुकसान होता है, तो आज उदाहरणतया हम लेंगे जीएसटी को। जीएसटी कर जो है उसको पहले वैट कर होता था, कहलाता था, वैट कर के जगह 2017 में केंद्र सरकार ने उसे जीएसटी कर दिया। जीएसटी कर करने से पहले वैट से मैं आजकल कितना नुकसान हो रहा है इस पर मैं बताऊंगा, उनके कैसे उनके भेदभाव नीति है और जन विरोधी नीति है। मरीज के बेड पर भी इस प्रकार इसी प्रकार सरकार ने इसी वर्ष जुलाई से 5% जीएसटी लेना शुरू कर दिया है।
कई जीवन रक्षक दवाओं पर भी ये सरकार 12% जीएसटी ले रही है। सर्वाधिक शर्मनाक है कि सरकार द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। एक तरफ तो सरकार लगातार स्वास्थ्य पर खर्चे कम कर रही है, बजट की कम हो रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं का निजीकरण कर रही है और दूसरे उस पर कर लगा रही है। तो स्वास्थ्य जो मूलभूत समस्याएं जनता की हैं उसको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। तो ये जो मैं आपको बताया था केंद्र सरकार की बिहार से भेदभाव और जन विरोधी नीतियों का, स्वास्थ्य के नीतियों का और आगे अन्य मुद्दों पर भी वो क्षतिपूर्ति राशि भी आरबीआई के माध्यम से कर्ज के रूप में देती थी। और इसमें देखिएगा उसमें कि केंद्र सरकार ने पिछले 2 वर्षों में नुकसान के भरपाई के तौर पर 1 भी रुपया बिहार को नहीं दिया, जबकि अन्य राज्यों को दिया गया है। ये कितना हास्यास्पद है कि भाजपा देखिए एक तो कोविड के समय में जो बिहार ने कार्य किया, जो बिहार ने कोविड में इलाज के दौरान कार्य किया गया, ये तो पूरे बिहार हिंदुस्तान के लिए तो है ही, विश्व के लिए मिसाल है। कोविड से मृत व्यक्तियों के सहायता राशि के रूप में 4 लाख रुपए दिए गए, बिहार इकलौता ऐसा राज्य था। और पड़ोसी राज्य देख ले उत्तर प्रदेश में, जहाँ की लोग को एक डिग्निफाइड मौत भी नसीब नहीं हुई, लाशें गंगा जी में तैर रही थी, उसकी बातें मैं तुलनात्मक नहीं कर रहा। तो क्या कोविड के दौरान आम जनता की सेवा करना हमारी राज्य सरकार के लिए पाप बन गया कि इसकी बहाना को लेकर के केंद्र सरकार ने जीएसटी राशि की क्षतिपूर्ति? खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां कुड़नी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। बता दें कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के सामने छोड़ के जाने के बाद एक बार फिर राजपूत समाज के लोग महागठबंधन उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को समर्थन देने की घोषणा की है। इसकी जानकारी जदयू के दिग्गज नेता चंदन भास्कर के नेतृत्व में प्रेस वार्ता करके बताई गई है। प्रेस के बंधुओं और हमारे अभिभावक, हमारे नेता, सभी का हम स्वागत करते हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसको करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि कुर्दी विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग क्षत्रिय समाज के लोग निर्णय को स्पष्ट करेंगे। और हम ये आपको बता दें कि पिछले 1-2 महीनों में लगातार हम लोग क्षत्रिय समाज की बैठक कर रहे थे और पिछले 2 दिन पहले कुर्दी में उपचुनाव को लेकर हम लोग क्षत्रिय समाज की भूमिका और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर एक बैठक किए थे, जिसमें हमारे कुर्दी के जितने राजपूत समाज के लोग एकत्र होकर एक बैठक कर निर्णय लिए और मुझे अधिकृत किए। आपका निर्णय हम सब मानेंगे और आप जो डिसीजन जिस भी पार्टी के पक्ष में लाएंगे हम निर्णय को स्वीकार करेंगे। चुनाव में कई पहलू को देखा जाता है, उस पहलू में तुरंत जिस बात को हम लोगों ने उल्लेख किया उस समय घोषणा हो चुकी थी, मनोज कुशवाहा जी पहले से यहाँ नेतृत्व कर चुके थे, तो कई परिस्थितियां सामने आई नेतृत्व के सामने और उन्होंने मनोज कुशवाहा जी को बनाए। और जब ये चंदन जी इस्तीफा दिए और सही सवाल पर इस्तीफा दिए थे, मैं उसको कहीं से भी न्याय नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समाज का नेतृत्व था, समाज के कहने पर इन्होंने ये निर्णय लिया था। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, आप समाज के चहेता हो, समाज के बड़े बुजुर्गों का आपका आशीर्वाद है। आने वाले दिनों में कुड़नी का नेतृत्व इस समाज का, राजपूत समाज का दिखेगा। और खासतौर पर मुजफ्फरपुर, हम लोगों ने गायघाट के भी बारे में कहा था कि गायघाट हमारा हमेशा से रहा है, इस पर बहुत चिंता व्यक्त किया गया और भविष्य में इस बात की पूरी आश्वासन दी गई कि मुजफ्फर जिला में राजपूतों का भी नेतृत्व सहभागिता, कई चीजें हैं हमारे पास, MLC है, आयोग है, तो बहुत सारी चीजों में संगठन का प्रमुख पद है उसमें पूर्णी की। वही खबर बिहार के पटना से है, जहां ई रिक्शा चालकों ने आर ब्लॉक गोलंबर सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। इसमें चालकों ने आरोप लगाया है कि GPO गोलंबर से ट्रैफिक पुलिस द्वारा मारकर भगा दिया जाता है। वहीं ई रिक्शा चालकों को स्टेशन जाने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है, जिसके विरोध में चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। खबर बिहार के मोतिहारी से है, जहां एक युवती ने अपने ही पड़ोस के एक युवक पर शादी का झांसा देकर पिछले 5 माह से यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। बताते चले कि युवती ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार भी लगाई है। आवेदन मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच की कार्रवाई में जुट गई है। शादी का संबंध बात कर रहा था, शादी का संबंध भी बनाया था, मेरे साथ बहुत भी कुछ भी किया था। जब शादी के लिए वो हम तैयार हुए
उसका माँ बाप जुर्बती उसको शादी सेट कराया और हम लोग वो नहीं माना, हमारे साथ लेके हमको लेके जब जा रहा था तो उसका माँ बाप पकड़ के मुझे घेटवाया है और बहुत कुछ थप्पड़ भी मारा है, बहुत कुछ किया कोठी बाजार पे और उसको लेके चला गया और हमें छोड़ दिया वहीं पे। लड़का कहाँ गया पता नहीं चला, नहीं पता चला है कहाँ गया है नहीं गया। उसके बाद में कितने महीने से यह काम चल रहा है? 5 महीने से शादी के लिए, शादी के लिए वो बोल रहा था ठीक है कि हमारा शादी अगर कहीं और कर देगा मेरा माँ बाप ना कहीं करेगा तो हम क्या करेंगे कि शादी सेट होते होते हम निकलेंगे घर से ठीक है। जब वो शादी सेट हुआ तो कुछ पैसा मिला उसको तो मेरे साथ बुलाया और भागने के लिए ठग ले आए और भागने के लिए बोला कि चलो हमारे साथ। जब हम गए कोठी बाजार पे तो उसका माँ बाप उसको झांसा दिया, क्या बोला क्या नहीं, वो मुझे छोड़ के भगा दिए है और भाग गए। फोन नहीं करता है? फोन कर किया तो एक बार मैसेज किया तो हम इधर से फोन करे तो वो बोल रहा है, हम बोले कि क्या घर नहीं आना है तो वो बोला क्या कि हम घर आएंगे बाकी मरे। वही अगली खबर बिहार के गया से है जहां नगर प्रखंड के मदन बीघा पंचायत में विभिन्न योजनाओं में मिली शिकायतों के बाद प्रखंड पंचायत पदाधिकारी से भौतिक सत्यापन एवं अभिलेखों व्यय राशि की जांच कराई गई है जिसमें पाई गई कमियों पर संबंधित पूर्व वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव, वर्तमान वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव एवं मुखिया व पूर्व तथा वर्तमान पंचायत सचिव को नोटिस भेजकर कार्यालय पर सुनवाई की गई है। वहीं बताते चले आपको कि एक हफ्ते में बचे हुए योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश भी दिया गया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।